लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट में अगले सेशन में आप सबका स्वागत है। आज जब मैं एक जगह पॉज करके अपने जीवन को देखती हूँ, अपने आसपास की दुनिया को देखती हूँ, तो लगता है हर कोई भागे जा रहा है बिना आसपास देखे, अपनी ही एक रेस में भागे जा रहा है। हर किसी की अपनी एक कहानी है, जरूरतें हैं, विश्वास है, हर कोई कुछ न कुछ पाना चाहता है। किसी को पैसा चाहिए, किसी को दौलत, किसी को सत्ता चाहिए, किसी को ताकत, तो कोई प्यार और अपनेपन के लिए तरस रहा है, किसी को खूबसूरती और हाइट चाहिए, लेकिन हर कोई भागे जा रहा है। और इन सब में हम सब ये भूल जाते हैं कि अर्जन के साथ विसर्जन भी जरूरी है, पाने के साथ साथ संग संग छोड़ना, त्याग करना भी उतना ही जरूरी है। प्रकृति का भी ये नियम है, हम एक सांस छोड़ते हैं तभी हम दूसरा सांस ले पाते हैं। क्या बिना सांस छोड़े हम सांस ले सकते हैं? नहीं ना। इसी तरह हमारा अगला कदम तब आगे बढ़ता है जब दूसरा कदम जमीन पर पैर रखता है, पॉज करता है। किसान जब खेती करता है तो उसकी जमीन पर फसल लहलहाती है, पर अगली फसल की गुणवत्ता बनी रहे उसके लिए उसे उस जमीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ना पड़ता है, ताकि अगली फसल भी उसी गुणवत्ता के साथ उत्पन्न हो सके। जमीन जब रेस्ट करती है, जब वो पॉज आता है बीच में, तब ही उसकी गुणवत्ता उसके अंदर आती है। पर हम पाने की चाह में इतने खो गए हैं कि छोड़ना, त्यागना और विसर्जन करना भूल ही गए हैं। एक कहानी याद आती है सेठ की, जो किसी को कुछ भी देना नहीं चाहता था, हर वक्त लेने के बारे में सोचता रहता था, देने के तो नाम से ही उसे एलर्जी थी। एक दिन गांव के कुछ लोगों के साथ वो एक नाव में नदी के उस पार जा रहा था। रास्ते में नाव डगमगाई और वो सेठ नाव से नदी में गिर गया। स्विमिंग आती नहीं थी, तैरना आता नहीं था, डूबने लगा। गांव के लोगों ने उसकी मदद करनी चाही, उससे कहा अपना हाथ हमें दे दो ताकि हम तुम्हें बचा सके, नाव में ऊपर उठा सके। लेकिन सेठ को देने का नाम तो अच्छा लगता ही नहीं था, उसने देना वहां पर भी स्वीकार नहीं किया। तभी वहां एक गांव का अनुभवी व्यक्ति था जो उस सेठ को बहुत अच्छी तरह से जानता था। वो आगे आया और उसने कहा मेरा हाथ ले लो और ऊपर आ जाओ। सेठ तुरंत मान गया, उसने उसका हाथ पकड़ा और नाव में आ गया और इस तरह उसकी जान बच गई। हम भी ऐसी ही जिंदगी जी रहे हैं, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, जीवन में विकास करने के लिए हम बचपन से कुछ न कुछ सीख रहे हैं, और सीखना जरूरी भी है। पर इस सीखने के प्रोसेस में, इस पाने के प्रोसेस में, जाने अनजाने बहुत कुछ अनचाही सीखें भी हमारे अंदर आ गई है, जैसे नकारात्मक संवेग, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव भाव, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, लालच, प्रतिस्पर्धा की भावना और भी न जाने क्या क्या। व्यवहारिकता के नाम पर कठोरता, ये सब हमें मिल गई है और इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि हमारे जीवन की गुणवत्ता गिरती गई, जिंदगी से सुकून, शांति और आनंद जाता गया। कब हम नीरस हो गए हमें पता ही नहीं चला। सो फ्रेंड्स, टेक अ ब्रेक टू चेक, प्रेस पॉज एंड एनालाइज द कॉज, प्रेस पॉज एंड एनालाइज द कॉज। नहीं तो क्या होगा, उस सेठ की तरह, उस साधु की तरह। एक साधु था, बहुत पहुंचे हुए महात्मा थे, एक गांव में आए तो उस गांव का जो सेठ था, वो जो भी साधु संत
महात्मा आते थे, उनका सत्कार करता था और अपने घर में खाना खाने को बुलाता था। इन महाराज को भी उन्होंने अपने घर खाना खाने निमंत्रण भेजा। ऋषि मुनि ने स्वीकार किया, संत ने उसका निमंत्रण स्वीकार किया। पर जैसा कि जानते हैं हम कि हम किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, कुछ न कुछ लेकर जाते हैं। संत ने भी सोचा कुछ न कुछ तो देना चाहिए अगर मैं उस महान उस सेठ का निमंत्रण स्वीकार कर रहा हूँ। तो उन्होंने हाँ कर दिया और सही समय पर वो पहुँच गए। सेठ की वाइफ जब खाना देने लगी तो संत ने कहा, बहन तुम्हें जो भी खाना बनाया है वो सारा इस कमंडलू में डाल दो। जैसे ही वो उस कमंडलू में डालने लगी, खाना इतना स्वादिष्ट था, उसकी खुशबू इतनी अच्छी थी कि बाहर तक उसकी खुशबू फैल रही थी। लेकिन जैसे ही उसने उस कमंडलू में खाना डालने लगी, उसका हाथ रुक गए। उसकी नजर जब कमंडलू के अंदर गई तो उस कमंडलू में गोबर था। संत ने पूछा, क्या हुआ बहन, हाथ क्यों रुक गए? महाराज इसके अंदर तो गोबर है। तो क्या हुआ, सारा खाना व्यर्थ हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्यों बहन, तुम्हारे खाने की खुशबू इतनी अच्छी है, तुम्हारे सारे व्यंजन सूंघ कर देख कर ही लगता है बहुत स्वादिष्ट है, तो ये अपना स्वाद अपनी प्रकृति क्यों छोड़ देंगे? महाराज इसके अंदर गोबर है और गोबर से साथ मिलकर वो सारा स्वाद सारा सब कुछ खो देंगे। यही बात आज मुझे तुम्हें समझानी है। जीवन में कितने भी अच्छी चीजें सीख लो, लेकिन अगर आपके पास पहले से गोबर है, पहले से नेगेटिविटी है, पहले से ही आपके पास कुछ ऐसे अवगुण है, तो वो हमारे उन गुणों को ओवरलुक कर देंगे। इसलिए जरूरी है कि पहले अपने अंदर की सफाई करो, तब ही तुम्हारे उस व्यंजन का स्वाद तुम ले सकोगे। और उस खाली करने के प्रोसेस को देखने के लिए जरूरी है पॉज करना, रुकना। सो प्रेस पॉज टू एंजॉय द क्वालिटी लाइफ। प्रेस पॉज टू चेक, टेक अ ब्रेक टू फुलफिल द क्रैक, टेक अ ब्रेक टू चेक द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। जीवन किस दिशा में जा रहा है उसे जानने के लिए रुकना जरूरी है, हर एक इंटरवल के बाद, हर एक समय अंतराल के बाद। हम लक्ष्य की तरफ काम कर रहे हैं, उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं या हम अपने लक्ष्य से विमुख हो गए, ये जानने के लिए भी पॉज की जरूरत है। सो आज का सेशन था प्रेस पॉज, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। अगर आपको भी ये लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइए। अब बारी है आज के क्विज की, क्विज नंबर 2। प्रेस बनकर, अगर आपने पिछले सारे वीडियोस देखे हैं तो आज के सवालों का जवाब आप अच्छे से दे पाएंगे। मैं इंतजार कर रही हूँ आपके सही जवाबों का, आपके कमेंट बॉक्स में आपके जवाबों का। मेरा पहला सवाल है, जीवन की गाड़ी का दूसरा पहिया कौन सा है? जीवन की गाड़ी का पहला पहिया था पर्सनल लाइफ, दूसरा पहिया कौन सा है? मेरा दूसरा सवाल, धर्म और अध्यात्म में क्या फर्क है? धर्म और अध्यात्म में क्या फर्क है? डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। मेरा तीसरा सवाल, प्रिंसिपल ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम थिंग्स क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम थिंग्स क्या है? और मेरा चौथा सवाल, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के लिए हमने इस बुक में कौन सा मेथड सीखा, उसका नाम लिखना है। इन चार सवालों के सही जवाब जो भी देगा, सबसे पहला जिसने भी दिया, ही विल बी द विनर।
तो देर किस बात की, तुरंत कमेंट बॉक्स में अपने चारों जवाब लिखिए। मैं इंतज़ार कर रही हूँ बेसब्री से उस विनर का। थैंक यू सो मच।